हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे में सारे स्कूल बंद है, तो दिन भर बच्चों को घर पे कुछ ना कुछ खाने के लिए तो चाहिए ही रहता है। तो दोस्तों, आज की मेरी रेसिपी बच्चों के लिए ही है। एकदम झटपट रेसिपी है जिसे आप बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं, और बच्चे जब भी जिद करें, कुछ डिमांड करें खाने के लिए, तब आप उन्हें ये बिस्किट के सैंडविच दे सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इन्हें। मैं यहाँ पर मारी बिस्किट ले रही हूँ, कुछ मारी बिस्किट ले लीजिए। और हमको चाहिए डेसिकेटेड कोकोनट, ये सूखे नारियल की गिरी है। अब मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ कंडेंस मिल्क। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप मलाई का इस्तेमाल करिए, साथ ही थोड़ी सी चीनी भी मिला लीजिए ताकि थोड़ा सा स्वीटनेस आ जाए इसमें। तो ये हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है। अब हम चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। तो इस तरह से डबल बॉयलर बनाएंगे हम। एक बर्तन में पानी को गर्म करेंगे और दूसरे बर्तन में हम चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। मैं यहाँ पर इस तरह का ये डार्क कंपाउंड यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो डेरी मिल्क ले सकते हैं, या जो भी चॉकलेट आपके बच्चे पसंद करते हैं वह ले लीजिए। और ये देखिए, डबल बॉयलर पे मैंने इसे अब मेल्ट कर लिया है। एकदम स्मूथ पेस्ट बनाना है। और बस अब हम बनाएंगे बिस्किट के सैंडविच। एक बिस्किट पे हम इस तरह से ये नारियल की स्टफिंग रखेंगे। अच्छे से फैलाते हुए नारियल को रख लीजिए और दूसरे बिस्किट से इस तरह से हम इसे बंद कर देंगे, और ये हमारा बिस्किट सैंडविच रेडी हो गया। तो बस इसी तरह से सारे सैंडविच बना लीजिए। हल्का सा दबाते हुए हम इसे अच्छे से चिपका लेंगे, और बस सेम तरीके से सारे सैंडविचेस रेडी कर लीजिए। और इन बिस्किट सैंडविचेस को अब हम चॉकलेट कोटिंग देंगे। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस इसे आपको चॉकलेट में डिप कर लेना है। चारों तरफ से बढ़िया कोट कर लीजिए चॉकलेट से, और इसे आप रख लीजिए बटर पेपर पर, या किसी प्लेट में थोड़ा सा बटर या घी लगा के रख लीजिए। बस थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ताकि चॉकलेट बिस्किट पे अच्छे से सेट हो जाए। थोड़ा सा नारियल छिड़क लेंगे हम। तो इस तरह से नारियल स्प्रिंकल कर रही हूं मैं। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट से भी गार्निश कर सकते हैं। मेरे पास व्हाइट चॉकलेट भी अवेलेबल थी, तो इस तरह से मैं थोड़ा सा डिजाइन दे दे रही हूँ। वैसे तो कई तरीके हैं फ्रेंड्स, आपके पास जो भी अवेलेबल है उस हिसाब से आप इसे गार्निश कर सकते हैं, वरना इसे जस्ट चॉकलेट की कोटिंग देकर भी सर्व कर सकते हैं। तो बस 5 मिनट के लिए हम इसे फ्रिज में रख देंगे ताकि चॉकलेट जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। और ठंडे होने के बाद चॉकलेट बढ़िया सेट हो जाएगी इस पे, और आप आराम से इसे फ्रिज में 3-4 दिन तक रख सकते हैं दोस्तों, खराब नहीं होगी ये। और बच्चे जब भी जिद करें उन्हें बस ये खाने के लिए दे दीजिए। तो है ना दोस्तों, एकदम इजी टेस्टी रेसिपी जिसे बच्चे तो बहुत पसंद करेंगे, और आपका ज्यादा समय भी नहीं लगेगा इसे बनाने के लिए। फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी मुझे कमेंट करके बताइए। पसंद आई है तो जाते जाते लाइक जरूर करते जाइएगा मेरी मेहनत के लिए। और मेरी बाकी की रेसिपीज देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की है, और मेरे नेक्स्ट वीडियो आने तक का इंतजार कीजिए। तब तक देखते रहिए द होम मिनिस्टर। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।